और जी मेरे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है जब मैं वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ, तो मेरे चैनल पर व्यूज़ बहुत कम हो जाते हैं और कुछ मसले मसाइल ऐसे आ जाते हैं कि बस बंदा उन मसले मसाइलों में इतना घिर जाता है कि बस मेरा फिर दिल नहीं चाहता कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, या फिर मेरी तबीयत पर कुछ ऐसा असर पड़ता है तो मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा होता। और जब मैं अपने व्यूज़ को कम होते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने इतनी मेहनत करती हूँ और मेरे व्यूज़ फिर कम हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरी गलतियों की वजह से होता है, क्योंकि मैं वीडियो और बनाना बंद कर देती हूँ और क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही होती। तो 2 महीने से मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी मेरी, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहा और जहनी तौर पर भी मैं डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन का शिकार थी कुछ, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे मसले मसाइल आते रहते हैं जिसका बंदा शिकार हो जाता है। जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर उसका बिल्कुल कोई भी दिल नहीं कर रहा होता। तो बस अब मैंने फिर से स्टार्ट लिया है, फिर से हिम्मत पैदा की है कि मैं दोबारा व्लॉग बनाऊं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, और आप मेरा बिल्कुल भरपूर साथ दीजिए और मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए कि मैं आगे बढ़ूं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊं, अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊं, अच्छी अच्छी बातें शेयर करूं आपसे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। और ये लो जी, मरियम के दादा अब्बू भी आ गए हैं। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजतों पर रहमत की नज़र फरमाए, सबकी परेशानियों को और मसले मसाइलों को अपनी रहमत से दूर कर दें और सबको राहत और सुकून अता फ़रमाएँ, अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पर आ गए हैं सिदरा के अब्बू, जो कि बहुत सारे मैंगो लेके आए हैं, बहुत सारे आम, क्योंकि मैंने उनसे ये कहा हुआ था कि अब ये बारिशों का सीज़न शुरू हो जाएगा और आम हमें अच्छे वाले नज़र नहीं आने वाले, क्योंकि वैसे ही आमों की जो फ़सल है बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है इस दफ़ा, और बहुत आम अच्छे नहीं आए, ना ही मीठे थे और ना ही इसमें वो जायका था जो पहले वाले सीज़न में होता था। तो यहाँ पर सिदरा के अब्बू ये आम लेकर आ गए बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पर ये मरियम फातिमा ये आम के पास खड़ी हो गई है और यहाँ पर मैं आम को लेकर जा रही हूँ धोने के लिए। यहाँ पर मरियम फातिमा भी मेरे पीछे पीछे आ रही हैं और उनका बस नहीं चल रहा कि बस ये बगैर धुला मुझे दे दे। मांगनी थी बेबी, अभी वॉश तो कर ले, आम को वॉश कर लेते हैं, तो गंदा हो रहे हैं ना, गंदे हो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, अभी वॉश करके दिखाएंगे थे, गंदी हो रही है, वॉश करके खाएंगे, नो गंदी हो रही है, गंदी, नो 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 नो। ये देखो लेके चली गई, ये भाग रही है और ये दादा अब्बू के पास जा रही है, ये ले लो, से ले लो, ओ ये दादा अब्बू के उन्होंने आम दे दिए माशाल्लाह, ये बोले काट के दो मुझे, चलो अभी वॉश करके लाते हैं। मैं ना वो लगावे कुछ चिपचिपा था कोई चीज, वॉश कहते हो, वॉश वॉश ये कोई लिक्विड थी, कोई चीज होती है जो कि सही नहीं होती और वो। और यहाँ पर मरियम फातिमा बिल्कुल भी नहीं मानी और वो आम लेकर अपने दादा अब्बू के पास चली गई हैं कि मुझे काट कर दो। तो इनके अब्बू, दादा अब्बू जो है उनको धोकर काट कर उनको आम दे रहे हैं। यहाँ पर मैं ने बाउल निकाल लिया है आम को धोने के लिए। यहाँ पर ये आम को मैं वॉच कर रही हूँ, ये आम में पता नहीं चिपचिपापन क्या लगा हुआ है और ये चिपक रहा है सारा, ये चिपक रहा है और ये इसको वॉच करना बहुत ज़रूरी होता है। बाहर से कोई भी चीज़ आए, कोई भी मैंगो या कोई भी फ्रूट्स आए, इनको वॉच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जंत लगे हुए होते हैं और ये बहुत सारी प्रोसीजर से गुजर के आती हैं चीज़ें। और यहाँ पर सारे आम मैंने बाउल में निकाल लिए हैं और बाउल में निकाल कर मैं इनको वॉश करने के लिए सिंक में रख दूँगी। और यहाँ पर सिदरा के अब्बू और मरियम के दादा अब्बू प्लेट लेके गए हैं ताकि मरियम फातिमा को आम काट कर दे सकें, और ये मुझे भी काट कर दे रहे हैं कि चेक कर लो। यहाँ पर ये आम जो आए हैं दशहरी, तो ये बहुत दिनों बाद दशहरी आम आए, तो ये सिदरा बच्चों के अब्बू यानी मरियम फातिमा के दादा अब्बू मुझे काट के देने के, आप चखें ये कैसे हैं, क्योंकि आम बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे और उसमें मिठास पहले वाली नहीं है किसी भी आम में, बहुत कम आम हमने खाए जो मीठे थे और अक्सर अब वाली जो फसल आई है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, तो लिहाजा आप ये मुझे देने के, आप ये काट के खा के देखें कैसे हैं। तो ये दसी गया, मैं चखे देखूँगी कैसे हैं। और यहाँ पर जब मैंने आम को चखा तो आम वाकई बहुत ही मीठा था और बहुत ही मज़ेदार था, तो वाकई बहुत ही मज़ेदार थे। यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की इबादत में ऐसे दिल लगा लें कि बाकी सारी चीज़ें अच्छी लग रही हों या ना लग रही हों, अगर आपने इबादत नहीं की तो
कुछ भी अच्छा ना लगे आपको, तो आप इबादतों को अपनी घुट्टी में डाल लें, नमाज़ों को, पांच वक्त की नमाज़ों को इतना पाबंद कर लें अपने आप को कि आपका जिस्म और आपकी जो रूह है वो मिलकर इबादत में मसरूफ़ हो जाएं, और हम अपने आने के दुनिया में आने के मकसद को पेश नज़र रखें, और इबादतों के बगैर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो अल्लाह ताला हमें सच्चा पक्का नमाजी बना दे, नमाज़ों की पाबंदी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। माशाल्लाह आम की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन लग रही है, और ये दशहरी आम है, तो माशाल्लाह ये आम दूसरी दफ़ा आए हैं, मगर ये काफ़ी मीठे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो इससे पहले आए थे वो इतने मीठे नहीं थे, ये आम बहुत ज़्यादा मीठे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नेमत है। तो वॉश कर लेते हैं, पानी बहुत कम आ रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी बड़ी टोकरियाँ मैं रखती हूँ ताकि मुझे सब्ज़ियाँ और फ्रूट धोने में आसानी हो, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी टोकरी ले ली है। तो यहाँ पर मुझे एक बात भी याद आ रही है कि अम्मी हमसे आम इस तरह धुलवाती थी कि जब भी हमारे घर में आम आया करते थे तो एक बड़ी सी बाल्टी को पानी से भर लिया जाता था और उसमें आम डुबो दिए जाते थे, और काफ़ी देर तक आम उसमें तकरीबन आधे घंटे तक या एक घंटे तक पड़े रहते थे। उसके बाद हमारी अम्मी कहती थी कि भाई दोनों हाथों से मसल मसल कर आम को धो और एक सूखी चीज़ में डालते जाओ। ये जो होता है इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक चिपचिपा सा कोई मादा लगा हुआ होता है जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और अगर मुंह पर लग जाए तो मुंह पर फुंसी या एलर्जी होने का ख़तरा होता है। तो ये चीज़, ये वाला जो हिस्सा है बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया जाए, तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आमों को पकाने के लिए कार्बोइड जो कि एक केमिकल होता है वो डालकर आमों को तैयार किया जाता है, और ये जो सेहत के लिए बहुत मुज़िर होता है कार्बोइड। तो आम जब भी घर पर आएँ उसको अच्छी तरह एक बड़े से बाउल में भिगो दें आधे घंटे के लिए, उसके बाद दोनों हाथों से मसल कर इसको धोया जाए। यहाँ पर चूँकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था और मैं वीडियो बना रही थी, तो इस वजह से मैं एक ही हाथ से यहाँ पर मसल मसल के धो रही हूँ। यहाँ पर तकरीबन सारे ही आम मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मसल मसल कर धो लिए थे, उसमें सारी गंदगी निकल गई थी। ऊपर से एक दफ़ा और मैं पानी डाल रही हूँ ताकि और मज़ीद ये अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये लो जी हमारे आम नीट एंड क्लीन हो गए हैं। यहाँ पर मैंने आम वॉश करके रख दिए हैं। यहाँ पर एक शॉपर में आम और भी हैं, और ये आम है चौंसा, ये चौंसा आम है ना। तो अभी मरीम के दादा अबू अभी वॉशरूम में गए हैं सिदरा के अबू, और यहाँ पर ये इसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ये जी इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो वही तरीका फॉलो करते हुए हम इसको भी वॉश कर लेंगे। ये जी इसमें भी बहुत ज़्यादा चिपचिपा मादा लगा हुआ है, देखिए बहुत ही ज़्यादा। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। ये देखें ज़रा इसमें एक ही लाइन जा रही है, ये एक चिपचिपा मादा होता है जो कि एलर्जी मुंह के करीब होंठों के करीब एलर्जी कर सकता है। तो बगैर धोए बगैर वॉश किए बिल्कुल आम को ना खाएं, और इस वाले हिस्से को अच्छी तरह से वॉश कर लें। चौंसा आम एक आम की किस्म है, और ये नॉर्मल साइज़ के होते हैं, और ये जब सीज़न जाने वाला होता है आम का ये जब आते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मीठे और रसीले आम होते हैं। ये चौंसा आम की गुठली बालों से भरी हुई होती है और इसमें बहुत ज़्यादा रस होता है, तो इस आम को चूस कर खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर सुबह के नाश्ते में चौंसा आम या चूसने वाले जो भी आम होते हैं पराठे या रोटी के साथ खाए जाएं तो बहुत ही लजीज होते हैं, और ये एक बहुत अच्छा नाश्ता हमें मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने कपड़े वॉश किए थे अपने, तो ये सूख गए अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी भी मुझे तेह बनानी है। तो यहाँ पर ये कपड़े यहाँ रख देते हैं, तो इसकी तेह बना के रखनी है। मैं हाथों हाथ अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाद के लिए नहीं रखती मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कवर देखिए मैंने बना के चढ़ाए थे तकियों पर कवर,
माशाल्लाह। और ये मरियम फातिमा जो फ्रॉक पहनी हुई है, ये भी मैंने सी थी, ये बहुत ही प्यारी इनकी फ्रॉक लग रही है माशाल्लाह। राउंड 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 माशाल्लाह। मेरे कमरे में आके मेरे रूम में आके बहुत ही खुश होती है मरियम फातिमा, उनको बहुत मजा आ रहा होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। राउंड 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी कहते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आम का सारा पानी निकल चुका है और आम अच्छे तरीके से खुश हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आम को फ्रिज में रख रही हूँ और हमें हमेशा आम को ठंडे करके खाना चाहिए ताकि इसके मुज़िर असरात ख़त्म हो जाएं। और यहाँ पर सुबह का नाश्ता आ चुका है जो कि बन है। और यहाँ पर मरियम के दादा अब्बू कमीज़ उतार के लेटे हुए हैं क्योंकि गर्मी इस कदर हो रही है कि अल्लाह तौबा अल्लाह रहम फरमाए। और यहाँ पर ये मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं इनके लिए खाना ले आई हूँ, खाने में लौकी बनी थी जो कि दही के साथ खा ली जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कि इतनी ख़ास मज़े की नहीं बनी थी मगर दही के साथ गुजारा चल गया था। और गर्मी इस कदर हो रही थी कि पसीने बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे। तो यहाँ आपकी वीडियो स्टार्ट किया है हम लोग, और क्योंकि तबीयत सही नहीं थी तुम्हें पता है, हो गई थी बहुत तबीयत ख़राब मेरी, और गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस वजह से कुछ भी काम नहीं किया जा रहा। तो जो लोगों का ख्याल आ रहा है जो बेचारे बाहर मजदूर काम कर रहे हैं और जिनके घर नहीं है, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं और ऐसे घरों में रह रहे हैं जहाँ पर हवा और का कोई इंतज़ाम नहीं है और धूप सख्त है बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए, रहम फरमाए। अल्लाह ताला सारी मखलूक पर अपना रहम करम फजल करम अता फरमाए। और यहाँ पर ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं भी चाह रही हूँ कि मेरे व्यूज़ बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए और इतने सालों में 1000 सब्सक्राइबर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख करोड़ों करोड़ों का शुक्र है। लाइक कर दिया करें, आप भी बोल दें, और कमेंट में जरूर बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको। तो बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है और ये मेरा शौक है, इंशाल्लाह आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर होती रहेंगी और इंशाल्लाह डिशेज भी तैयार करूँगी। मैं अब फ्रेश हो गई नमाज़ पढ़ने के बाद, इन्होंने भी खाना खा लिया था तो मैंने कहा चलो इनके साथ उनकी वीडियो बनाई जाए। और अभी सोने की तैयारी करेंगे, ये वीडियो ब्लॉग देखें मेरा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूंगी। और फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।